कुछ तो सुधार किया हैं उन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों की सुनी है बजाय कि ये बोलना कि यार ये थिएटर में देखने लायक ट्रेलर है या ये सब उन्होंने ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंजेस किए हैं जो देखने लायक मूवी बन चुकी है और ऊपर से यार डायलॉग तो बिल्कुल ऊपर शरद शरद केलगर की आवाज़ यार मतलब

और फिर दूसरा दूसरा अच्छा नहीं।, नहीं, 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 नहीं टीजर में जितना भी शॉट दिखाया गया उसमें दिखाया ही नहीं मतलब कि इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है पर चेंजेस तो करे होंगे ना यार लेकिन चेंजेस करें कुछ चेंजेस करे ऐसी बात नहीं करेंगे जिस सीन से पता चलता ना की एक्चुअली में सीजीआई में चेंज हुआ है ना

इनको यही पहले रिलीज करना चाहिए था किसी को कोई डाउट नहीं होता तो फिर चर्चा लेकिन अभी क्योंकि हाँ, हो जाते लेकिन 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 अभी, नाम भी हो जाती। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि अब लोग बोल रहे हैं कि यार वानर सेना को तो तुमने यहाँ दिखाया नहीं जो भी दिखाया वो टीजर में था और वो बहुत बेकार लग रहे थे अरे मेरे को वो बताओ वो शॉट कैसा लगा यार जब राम जी हनुमान जी की पीठ पे किसी स्क्रैच से बनाना पड़ता लुक चेंज करने की बात थी श्री राम जी का लुक चेंज करो या फिर हनुमान जी का लुक चेंज करो वो अब इम्पोसिबल है पूरे तो, ट्रेलर तो, को उठाने का काम करता है शरद केलकर की वॉइस yes, yes. और जो इम्प्रूवमेंट दिखी है सिर्फ वो क्योंकि इन लोगों ने जो विश्वजीत ने बोला कि बहुत अच्छे से ट्रेलर को एडिट किया है उसके अलावा जो चीज़ मैंने पहले बोली थी मैं वो फिर से रिपीट करूंगा फिल्म में अपडेट के नाम पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ सिवाय कलर करेक्शन के पूरी ये फिल्म तो बताए थे कैरेक्टर्स को लेकर के कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए तो तुम बोलोगे कि बहुत कुछ चेंज हो गया तो नहीं हुआ है लिटरली नहीं हुआ है मैं उसमें मतलब तुमको कमी निकालनी तो मैं एक एक कमी निकाल करके बता दूंगा तो वो तो छोड़ ही दो मतलब अब वो लोग मेकर्स वो नहीं सुनने वाले वो चेंज नहीं करने वाले क्योंकि उन लोगों ने पहले ही वो चीज़ ले ली थी और मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तुमको उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो उसमें मत नहीं पढ़ना चाहता सिंपल सी इतने इतने पैसे लगा कर के जो फिल्म बना रहे थे हाँ, मैं, मैं, नॉर्मल बनाते बहुबली जैसे मैं ये भी सोच रहा था कि भाई देखो आ, वानर सेना को बहुत अच्छे से ह्यूमेनाइट कैरेक्टर प्रोस्थेटिक मेकअप के थ्रू दिखाया जा सकता था बहुत हाँ, ही अच्छा तो करोड़ लगा है अभी सात सौ अभी रिलीज होगी तो हाँ विकीपीडिया तो जाता तो तो जाता मेकअप पे पे किया जा सकता था जबकि आज के टाइम पे हम प्रोस्थेटिक मेकअप देख लो तो बॉलीवुड में टॉप नॉट जा चुका है पाक के टाइम से ही जा चुका है नेक्स्ट लेवल का प्रोस्थेटिक मेकअप करते हैं ये लोग तो वैसा कुछ प्रोस्थेटिक मेकअप से कर सकते थे तो वो करते वहाँ पे सीजीआई का यूज क्यों करना